हाय एंड ओम शांति। अब हम बात करेंगे निगेटिविटी पर। आखिर ये निगेटिविटी होती क्या है? जितना मैंने समझा है इन चीज़ों को, तो बहुत आसान शब्दों में समझो तो पॉजिटिविटी निगेटिविटी रियली में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, सब कुछ शून्य है। क्योंकि कहते हैं ना, सब कुछ कृष्ण है, सब कुछ क्या कहते हैं नारायण है, सब उसका है, सब शून्य है। तो जिस दिन हम उस तक समझने लगते हैं, हमें वो सब कुछ शून्य लग जाता है, हमें वो सब कुछ ना निगेटिविटी दिखती है ना पॉजिटिविटी दिखती है। लेकिन जब तक हम समझते नहीं हैं और हमारे वो थॉट, हमारा वो सोच वैसी रहती है, वही कन्वर्ट होती है निगेटिविटी में। किसी के लिए अच्छा ना सोचना या किसी के लिए कुछ भी ऐसा सोचना जो उसके हितकारी ना हो, वो निगेटिविटी में कन्वर्ट हो जाता है। कहते हैं ना इवेल आई, बहुत सारी इवेल आईज है। इवेल आईज क्या है कि बहुत सारी दुष्ट दृष्टियाँ हैं कि हमने किसी को, कोई मेरा पड़ोसी है और वो कार लेके आ गया, मैंने मेरे को नहीं, मेरे पास नहीं है कार, तो मैंने सोचा अरे ये कैसे ले सकता है, अरे आज लाया कल खराब हो गया, ऐसे इस तरह से वो मेरा सिर्फ इतना सोचना उसके ऊपर वो इफेक्ट हो जाता है और कभी कभी ज़्यादा हो जाता है। कैसे? क्योंकि जब हमारी ऑरा स्ट्रांग नहीं होती, हमारा एनर्जी सर्किल स्ट्रांग नहीं होता, हमारी एबिलिटीज नहीं होती है मैंने से, तो हमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट आते हैं उसको। तो अब इसीलिए कहते हैं ना कि आपकी अगर एबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, आपकी ऑरा बहुत स्ट्रांग है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। जो यहाँ पे प्राणिक हीलर हैं वो बहुत आसानी से ऑरा को समझते होंगे, ऑरा को जज देखते होंगे, स्कैन करते होंगे उनकी भाषा में, तो स्कैनिंग करके वो चीज़ों को समझ लेते होंगे। तो वो ये चीज़ें बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब हमारी ऑरा स्ट्रांग होती है तो हमें कोई भी निगेटिविटी टच नहीं कर सकती, हमें कुछ भी ऐसा नहीं, क्योंकि हम बहुत इंटरनली और एक्सटर्नली अपनी एस्ट्रल बॉडी से, अपने सूक्ष्म शरीर से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, कोई निगेटिविटी हम पर कुछ नहीं कर सकते, हम प्रोटेक्टेड हैं। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा, हमारे पास ऐसा सुरक्षा कवच है उस एनर्जी का कि हमें वो चीज़ें टच नहीं कर पाती। कोई सोचता तो है हमारे बारे में लेकिन हम तक वो पहुँचता नहीं है, क्योंकि हमारी खुद की पॉजिटिविटी इतनी स्ट्रांग है कि हम तक निगेटिविटी आ ही नहीं पाती। तो ये चीज़ें अगर आपको समझना है, निगेटिविटी को रिमूव करना, तो आपको ये भी समझना पड़ेगा। रिचुअल्स, मैं बहुत सारी वर्कशॉप में देता हूँ, बहुत सारे लोग लेते रहते होंगे कि आप सॉल्ट यूज़ करिए, स्प्रिंकल करिए सॉल्ट का, स्प्रिंकल सॉल्ट लैम्प जलाइए, ये आप सब लोग जानते हैं। यहाँ इस सेशन में ये बताना मेरा उद्देश्य, मेरा मोटिव नहीं, मेरा मोटिव ये था रियल पीछे का रीज़न क्या है और आप कैसे इन चीज़ों को यूज़ करते हो। क्योंकि आपको किसी ने कह दिया, वो मेंटली आप जानते हो कि वो आपसे ज़्यादा जानकार है, तो आप उस बातों को मान लोगे, लेकिन अगर आपने 1% भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया, बिलीव नहीं किया, तो वो आपके साथ होगा नहीं। ऐसा होता है बहुत सारे लोगों को, सिर्फ सॉल्ट स्प्रिंकल करके उनके घर, उनके साथ अच्छा होने लगता है, उनकी निगेटिविटी दूर हो जाती है। या वास्तु में बात करें तो वास्तु में चेंजेस करके, डायरेक्शन दिशा के हिसाब से चेंज करके उनके साथ हो जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलेंगे जिनका वास्तु करने के बाद भी निगेटिविटी दूर नहीं होती, यानी उनकी उनकी लाइफ से प्रॉब्लम्स दूर नहीं होती, क्योंकि वास्तु में भी हमने सही से नहीं समझा। बहुत सारे मैं किसी को ब्लेम नहीं करता, बहुत सारे वास्तु ऐसी जो रीज़न बताते हैं उसका ये कहते हैं कि अगर ये यहाँ पे नहीं तो उसको तोड़वा दो, लेकिन तोड़वाने से अगर आपने कोई चीज़ तोड़ दी, ख़त्म कर दी, तो उसकी निगेटिविटी भी आपके साथ टच कर गई, यानी कहीं ना कहीं उसकी निगेटिविटी भी आपके ऊपर आ गई। वो पूरी तरीके से सही तरीका नहीं है, आपको सही तरीका समझना होगा उसका। आपको ये नहीं कहता कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, या फलाने ने जो कहा वो सही है, फलाने जो कहा वो गलत है, बात ये नहीं है। बात ये आपको समझना होगा कि कौन सही है कौन सही, क्योंकि आप कैसे समझोगे, आप एक्सपीरियंस करके समझ सकते। आपको मैंने कुछ बताया, उस चीज़ को एक्सपीरियंस करो, उस चीज़ को यूज़ करके देखो, प्रोसेस करके देखो, आप समझ जाओगे, आप जज कर लोगे कि किसने सही कहा किसने गलत कहा। हम जब टैरो कार्ड यूज़ करते हैं तो कई बार हमारे पास नेगेटिव कार्ड्स होते हैं, ईविल का कार्ड है आ गया, मान लीजिए मेरे को उसमें ईविल का कार्ड आ गया, टावर का कार्ड कुछ भी आ गया जिसमें निगेटिविटी है बहुत ज़्यादा, तो वो निगेटिविटी मुझे भी टच कर देगी। इसलिए मैं कहता हूँ, इसलिए लोग क्रिस्टल्स यूज़ करते हैं, क्रिस्टल्स पहन के कार्ड करते हैं, क्योंकि वो हमें सपोर्ट करते हैं। क्रिस्टल्स हमारी बहुत सारी एबिलिटी को, हमारे एब्जॉर्व करते हैं हमारी निगेटिविटी को। मैं बहुत सारे क्रिस्टल्स को यूज़ करता हूँ, लेकिन जब आप मेडिटेशन लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन लेयर बना लेते हो, तो आपको बहुत सारी चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती। माँ काली के कवच के साथ मैं काम करता हूँ हमेशा,
क्योंकि मैं दिन रहो या रात हो, सोया हूँ या जागा हूँ, कॉन्शियस माइंड चल रहा हूँ मेरा, ऐसा कॉन्शियस माइंड चल रहा हूँ, मैं सिर्फ उनके बारे में सोचता हूँ, मेरा सिर्फ ट्रस्ट उनके ऊपर है, तो उनका पूरा प्रोटेक्शन मेरे ऊपर है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों में आपका ये बिलीफ काम करता है, वो प्रोटेक्शन काम करती है, और यहाँ पे काम करता है आपका समर्पण, यहाँ पे काम करता है इदम नमम। तो इदम नमम के साथ समर्पित हो जाइए, किसी भी उसमें आप हमेशा 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 प्रोटेक्टेड रहोगे, आपको बहुत प्रोटेक्शन तैयार करना बहुत आसान है। मेरी लास्ट वर्कशॉप थी फ्री शबर मंथ पे, अगर आप लोगों ने उसके वीडियोस देखे हैं तो अच्छा है, नहीं देखे हैं तो यूट्यूब चैनल पर पड़े हुए हैं हमारे, देख लीजिए। शावर मंत्र से आप अपना प्रोटेक्शन कर लेते हो, लेकिन आपको ट्रस्ट होना चाहिए, आपको उन चीज़ों पे ट्रस्ट होना चाहिए। प्रोटेक्शन क्रिएट करना बहुत आसान है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं आप उनसे कर सकते हो, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको उन पर बिलीव होना चाहिए, उन तरीकों पर, उस चीज़ पे आपको उन चीज़ों के एहसास होना चाहिए। आपका एक्सपीरियंस जब होगा तब ज़्यादा एहसास होगा, जब ज़्यादा बिलीव होता है। तो निगेटिविटी हम रिमूव खुद से कर सकते हैं, अपने मेडिटेशन पावर से भी कर सकते हैं, हीलिंग से भी कर सकते हैं, अपने साथ क्रिस्टल यूज करके कर सकते हैं, बहुत सारे लाल किताब एस्ट्रोलॉजिकल रिचुअल से कर सकते हैं, बहुत सारे वैदिक रिचुअल से कर सकते हैं, बहुत सारे एनर्जी हीलिंग से कर सकते हैं, एंजल की हेल्प से कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, वास्तु से कर सकते हैं, हम हर एक तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ से कनेक्ट करेंगे हमारे पहले सेशन को, तो इसीलिए इन सब चीज़ों को सीखना जरूरी है और आपको इम्प्लीमेंट करना जरूरी है, अपने इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है अपनी लाइफ में इन चीज़ों का, क्योंकि जब आप इन सब चीज़ों को सीख जाओगे तो इन सब चीज़ों से हट जाओगे, यानी प्रॉब्लम से सॉल्यूशन पे चले जाओगे, और यही है रियल में बेसिकली टोटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो टोटल ट्रांसफॉर्मेशन यही होता है जब आप प्रॉब्लम से सॉल्यूशन में चले जाते हो। ऐसा नहीं कि तब प्रॉब्लम आनी बंद हो जाती है, लेकिन तब आपके पास सॉल्यूशंस बहुत ज्यादा होते हैं, तब आपके पास प्रॉब्लम कम होती है, सॉल्यूशंस ज्यादा होते हैं, प्रॉब्लम बाद में आती है, सॉल्यूशन पहले तैयार होता है। इसके लिए इसको लेके एक नया अलग से सेशन करूंगा, तो आसानी से समझ जाओगे, एक अलग मोटिवेशनल सेशन करेंगे किस तरीके से हम इन चीज़ों को कर सकते हैं, या NLP के थ्रू एक सेशन करेंगे हम कैसे कर सकते हैं इन चीज़ों को, तो हम कैसे अपने माइंड को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ कर सकते हैं इन सब चीज़ों को, तो उसके लिए एक सेपरेट सेशन हम करेंगे आप जल्दी आने वाले समय में। तो कुल मिला के निगेटिविटी बहुत ब्रॉड चीज़ नहीं है, हमें अगर हमारी पॉजिटिविटी स्ट्रांग है तो वो हम उसको असर नहीं हो सकता हम पे, लेकिन होती है, हम सबको होती है, हम सबको प्रोटेक्शन करके चलना चाहिए। अगर आप बिगनर हो, आप कुछ भी नहीं जानते हो, तो क्रिस्टल ज़रूर यूज़ करिए, अपने घर में ईवल आई जरूर लगाइए, इस तरह के स्टोन ज़रूर यूज़ करिए, जो रिचुअल्स हैं जैसे सॉल्ट का, सॉल्ट लैम्प का, ये ज़रूर करिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इनकी वाइब्रेशंस आपको हेल्प करती हैं। अगर आप खुद की एनर्जी को और बढ़ाना चाहते हो तो ये आपके सपोर्ट करती है। मेडिटेशन में क्रिस्टल जरूर यूज़ करिए, कौन सा कैसे यूज़ करना है ये हम क्रिस्टल थेरेपी में बताते हैं आपको, तो क्रिस्टल थेरेपी भी आपकी 26 modalities के कोर्स में आती है, तो आपको क्रिस्टल थेरेपी के पूरे 12 levels आते हैं, हर एक क्रिस्टल के बारे में अलग से डिफाइन होता है, तो आपको क्रिस्टल्स के साथ काम करना चाहिए। क्रिस्टल्स बहुत ईजी वे में आपको सपोर्ट करते हैं, बहुत बिगनर लेवल में भी आप क्रिस्टल्स को यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो खुद बहुत एनर्जाइज होते हैं, खुद बहुत पावर रखते हैं आपकी। ऐसा नहीं क्रिस्टल्स को हम एनर्जाइज नहीं करते, क्रिस्टल्स को भी एनर्जाइज करना पड़ता है, उनका भी प्रोसेस होता है, बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्टार्टिंग लेवल से ही वो आपको रिजल्ट देना शुरू कर देता है। तो ऐसी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो निगेटिविटी को रिमूव करने के लिए। आप किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हो तो कभी भी शॉर्ट को अपने सर के ऊपर से घुमा के उसको फ्लश करके जाइए, तो आपके जो आपके ऊपर जो निगेटिविटी बाहर जा रहे हैं तो प्रोटेक्शन क्रिएट होगा। ऐसे बहुत सारे आप मेरे पेज पे जब कल लाइव वीडियोस देखेंगे तो पेज को स्क्रॉल करिएगा, पीछे एक सेपरेट सेशन था इस तरह की निगेटिविटी रिमूव करने का, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, उस वीडियो में आप बहुत अच्छे तरीके से और चीज़ें भी समझ जाओगे। और आने वाले फ्यूचर में हम और भी इसको करेंगे फ्री सेशंस में, पेड सेशंस में आप आके इन चीज़ों को बहुत आसानी से समझ सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं एनर्जी ऐसी लगती है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैं पैसे के लिए या उसको करने के लिए क्लाइंटेज के लिए कर रहा हूँ, तो सीधी सी बात बताऊँ, जिन्होंने मेरे पहले के सेशन करे हुए वो जानते हैं
कि अगर आप रियल मेडिटेटर हो तो आपके लिए सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती। सर्वाइव करने के लिए चाहिए, ऐसा नहीं कि सर्वाइव करने के लिए नहीं चाहिए, क्योंकि हम भी आपके साथ लाइफ में, लेकिन अगर आपने योग माया को समझा है तो योग माया जो प्रभु की, जो नारायण की शक्ति थी, वो यही होती है जो योगी को माया से दूर रखती है और एक योगी को सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि देखिए खाना आप और हम सब खाते हैं, लेकिन एक योगी खाना खाता है अपने शरीर को ऊर्जा देने के लिए, एनर्जी देने के लिए, और एक भोगी खाना खाता है स्वाद के लिए, उस सुख को प्राप्त करने के लिए। तो कहीं ना कहीं इसीलिए हेल्थी फूड्स लोगे तो आप हेल्थी रहोगे, है ना। हेल्थी का सेंस ये नहीं होता मेरी बाइसेप हो और मैं बहुत फिट देखूँ, हेल्थी का सेंस ये होता है कि मैं मेंटली फिजिकली बहुत स्ट्रांग रहूँ, फिट रहूँ, क्या तो कहीं ना कहीं मेरी इम्यूनिटी बूस्ट रहे। तो बहुत सारे लोग हमें इसीलिए योग मेडिटेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है आज के समय में, कोरोना वायरस जैसी डिसीजेस को, कोविड जैसे क्राइसिस को, हम पेंडेमिक को हम दूर कर सकते हैं इन सब चीज़ों से, तो ऐसे ही कर सकते हैं। इसके पीछे कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, इसके पीछे यही साइंस है, पीछे के लॉजिक्स यही हैं। जो लोग जो लेफ्ट ब्रेन वाले हैं उनके लिए ये है आंसर मेरा कमेंट कि उसके पीछे कोई लॉजिक रॉकेट साइंस नहीं है, यही साइंस है। स्पिरिचुअलिटी में लॉजिक कहीं भी नहीं भी होते, कहीं कोई इनलॉजिकल चीज़ें भी होती हैं जो हमारे साथ हो जाती हैं, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है उसके पीछे, यही सब रीज़न है, यही सब प्रोसेस है। सिर्फ किसी ने कर लिया, किसी ने नहीं करा, कोई सोचता रह गया कि मैं करूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ, और कोई करता चला गया, है ना। मैं नदी को देखता रह गया और वो समंदर किनारे हो गया। तो इसको ऐसे ही समझना है, जिसने सोच लिया, जिसको करना था, जिसको ईश्वर ने चाहा, जिसको कृष्ण ने चाहा, जिसको माँ ने चाहा, वो कर ले गया, और जो जिसको उसने नहीं चाहा वो सोचता रह गया। तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा, हम और भी बहुत कुछ नेक्स्ट टाइम पे आपके साथ शेयर करेंगे। आपको अच्छा लगा तो थैंक यू सो मच, अगर बुरा भी लगा हो, नहीं समझना तो भी थैंक यू सो मच, मुझे समझने के लिए, मुझे सुनने के लिए, इतना अपना टाइम देने के लिए। ओम शांति।